हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताने वाला हूं कि किस तरह से डेलिंग राउटर को एक मोबाइल से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, डेलिंग राउटर को किस तरह से मोबाइल से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हो, यहां पे हमें डेलिंग राउटर को मैंने ओपन किया है, जिसका मॉडल नंबर है DIR615। सो फ्रेंड्स, इसका जो पासवर्ड है वो हमें डेलिंग राउटर के बैक साइड मिल जाएगा, वहाँ से वो आप पिन ले सकते हो और यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपका जो वाईफाई नेम है DIR615, वहाँ पे आप टाइप कर दीजिए और कनेक्ट कर लीजिए। तो आपका डेलिंग का राउटर कनेक्ट हो जाने के बाद आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करने वाला हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको जो डेलिंग का जो आईपी एड्रेस है, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है, इसे टाइप करना है। तो डेलिंग का जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस रहता है वो है 192.168.0.1, डेलिंग राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डी लिंक राउटर है वो प्रोसेस कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सिंपली हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो सिंपली हमें यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करना है। ओके, तो हमें और दूसरी कोई लैंग्वेज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर डिवाइस मोड आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कनेक्शन मैथड। तो सिलेक्ट कनेक्शन मैथड में आपको यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन देना है। देन आपको यहाँ पे आपको राउटर सिलेक्ट करना है। ओके, तो राउटर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ओके, तो देन इसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन टाइप देना है। तो हम सिंपली PPPoE का ही यूज़ होता है, तो PPPoE सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कोई अलग टाइप है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको ISP से जो भी यूज़र नेम पासवर्ड आपको दिया गया है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। ओके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ISP से और अपना यूज़र नेम पासवर्ड फाइंड कर लीजिए। यूज़र नेम पासवर्ड आपको मिल जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। देन आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सिलेक्ट हो चुका है और हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वायरलेस सिक्योरिटी देनी है। तो वायरलेस सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो रहता है डी लिंक का, वो यहाँ पे इरेज करके आप अपने हिसाब से कोई भी एक नेम यहाँ पे वाईफाई का दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वाईफाई का नेम मैं डी लिंक लिख रहा हूँ और यहाँ पे जो हमें सिक्योरिटी दी जाती है वो भी यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ और डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर 128 लिख रहा हूँ। ओके, आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नॉर्मल पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद और भी ऑप्शन आएगी जिसे भी आप नेक्स्ट कर लीजिए, इन सब का हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे फाइनली हमें राउटर का लॉगिन पासवर्ड क्या रखना है वो हमें सिक्योरिटी देनी है। ओके, तो यहाँ पे भी आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिए। आपको राउटर का लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे आपको देना है, जब भी आप राउटर ओपन करोगे तो ये पासवर्ड आपको देना है। तो ये हम 128 लिख रहे हैं। ओके, कन्फर्म पासवर्ड भी आप 128 लिख के नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करोगे तो आपने जो भी सेटिंग की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप पहले एक बार फिर से कन्फर्म कर लीजिए, अगर कोई आपसे भूल हो गई हो तो आप बैक जा सकते हो, या फिर आप अगर सही है सब कुछ तो आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो आपने जो भी कन्फिगरेशन की है वो यहाँ पर सेव हो रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, आधा एक मिनट की प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाएगा। सो हमारे जो राउटर की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें राउटर को कनेक्ट कर लेना है वाईफाई में जाके। आपने जो भी नाम दिया, जो भी पासवर्ड दिया, उसे आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर मैं इंटरनेट चेक करके दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया है राउटर को और हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा इंटरनेट चालू हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंटरनेट बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप डेलिंग राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं मोबाइल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।